गाइज फिलहाल जो हमारे इंडिया सर्वर में इंक्यूबेटर चल रहा है वो एक बंडल का है जो कि यार 13-14 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यार हमें नया इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन गाइज यहाँ पे आप में से बहुत बंदों का क्वेश्चन ये है कि यार हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर क्या होने वाला है, कहीं क्रिमिनल बंडल इंक्यूबेटर तो रिटर्न नहीं आ रहा, या कोई गोल्डन सेट बंडल इंक्यूबेटर रिटर्न तो नहीं आ रहा, या कोई गन स्किन का इंक्यूबेटर रिटर्न तो नहीं आ रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यार बहुत सारे बंदों के डाउट्स ये हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आपको कंफर्मेशन बता दूंगा कि हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर क्या होने वाला है, एंड साथ में गाइस बात करने वाले हैं कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में और आज के रिडीम कोड के बारे में। तो यार वीडियो को बस आपको पूरा देखना है, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। और गाइस अगर आप सबसे पहले कोई भी रिडीम कोड लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना टेक्नोबाई7 यूजर नेम है, जैसे कोई रिडीम कोड आता है मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गोल्ड रोल बंडल के बारे में। जैसा कि यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एक फीमेल का बंडल हमारे गेम में चल रहा है जो कि यार 13 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यार हमें नया गोल्ड रोल बंडल देखने को मिलेगा OP32 अपडेट में। लेकिन वो गोल्ड रोल बंडल क्या होने वाला है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक मेल का बंडल होगा। अब यार मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि भाई वो बंडल कैसा होगा, क्योंकि यार यहाँ पे लीक के मुताबिक बताया जा रहा है कई सारे बंडल हैं, उनमें से कोई एक बंडल लग सकते हैं फ्री फायर वाले इस गोल्ड रोल में। अब यार मैं अगर आपको उस बंडल को बता देता हूँ और वो बंडल नहीं आता है तो आप मुझे गालियाँ दोगे, और अब मैं आपको बस तभी बताऊँगा जब वो बंडल कोई कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई बंडल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है गोल्ड रॉयल के लिए। जैसे ही वो बंडल कंफर्म हो जाता है मैं तुरंत आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, तब तक के लिए आप वेट कर ले। चलो यार बात कर लेते हैं अपने फ्री रिवॉर्ड फेस मास्क के बारे में। जी हाँ गाइस एक फेस मास्क आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। मैं इन रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे फ्री में दिए जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ गाइस एक फेस मास्क की जो कि यार आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे, उसके लिए यार आपको एक इस वाले इवेंट में आना है एंड लीडर बोर्ड वाले इवेंट में आ जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखोगे साइड में एक बॉक्स है, इसमें आपको गाइस ये वाला जो फेस मास्क है ना बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन ये मिलेगा कैसे, इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, ये जो लीडर बोर्ड है ना इसमें आपको 1 से लेकर 10 की गिनतियों के बीच में आपको अपना नंबर लाना है। अब वो गाइज आपके स्कोर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। मेरा तो स्कोर आप लोग देख सकते हो मैं 12वें नंबर पर हूँ, इस वजह से गाइज मुझे यहाँ पे सेकंड रो वाले जो आइटम्स है ये मिले हैं। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे 1 से 10 के बीच में आते हो तो आपको ये वाला फेस मास्क मिलेगा। इसके साथ में गाइज आपको यहाँ पे एक पिन दी जा रही है और 2 इंक्यूबेटर के वाउचर दिए जा रहे हैं। लेकिन जो 11 से लेकर 20 के बीच में आएंगे उनको एक पिन मिलेगी, एक इंक्यूबेटर वाउचर मिलेगा और एक डायमंड रोल का वाउचर मिलेगा। और जो 21 से 50 के बीच में आएंगे उनको एक डायमंड रोल वाउचर मिलेगा, एक गोल्ड रोल वाउचर मिलेगा। तो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप यहाँ पे किसने नंबर पे आए हो, ठीक है? मैं तो 12th नंबर पे आया हूँ। तो यार अब बात कर लेते हैं रिडीम कोड्स के बारे में, क्योंकि यार जैसे मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पे रिडीम कोड शेयर किया तो यार बहुत बंदों ने मुझे मैसेज करके कहा कि भाई रिडीम कोड यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये रिडीम कोड तो एक्सपायर हो गया, या रिडीम कोड यूज़ कैसे करना है। तो भाई देखो ये जो आपको रिडीम कोड दिया जा रहा है ना ये कोई रिवॉर्ड्स के रिडीम कोड नहीं है, ये FFL ड्रीम टीम के रिडीम कोड है जो कि यार आपको गेम में ही रिडीम करने होंगे। रिडीम करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले इवेंट वाले सेक्शन में स्पोर्ट वाले सेक्शन में आना है, FFL ड्रीम टीम वाले ऑप्शन में आना है एंड गो टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यार यहाँ पे आपको सबसे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा पावर ऑफ रिडेम्पशन का, आप लोग देख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करके जो मैं रिडीम कोड देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे उसको गाइज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, कहीं पे लिख लेना उसे, फिर उसके बाद आपको पेस्ट करना है और आज का रिडीम कोड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का, एंड आपको कंफर्म कर देना है। तो ये वाला जो रिडीम कोड है मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। लेकिन गाइज इससे आपको क्या मिलेगा, इससे गाइज जो आपने टीम बनाई है ना और वो अच्छा खासा स्कोर बनाती है तो उसके जो स्कोर होते हैं वो ट्रिपल कैप्टन के बढ़ जाते हैं। अभी अलग अलग रिडीम कोड होते हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहूँगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना Techno7 यूजर नेम। अब यार इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपके कैप्टन आपने बनाया, जो भी आपने प्लेयर्स बनाए, जो भी आपकी टीम है उसके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं इस रिडीम कोड से। इसको आप कोई वेबसाइट पे जाकर रिडीम मत करना जैसे नॉर्मल रिडीम कोड को करते हैं, ये वहां पे रिडीम नहीं होगा, ये गाइस इसी FFL ड्रीम टीम में रिडीम होगा, ठीक है? इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। और आपको यहाँ पे अपनी टीम कैसे बनानी है वो यार मैं आपको बता दूंगा। आपको यहाँ पे क्या करना होता है गाइस, जो आपका मैच चल रहा है उस मैच को यहाँ पे चूज करिए, जैसे यहाँ पे मैंने मैच डे 3 चूज कर लिया है। और गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखो भाई, आपको रिवॉर्ड्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, ये आपको तभी मिलेंगे जब आपकी जो टीम है यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। और गाइस ग्रैंड फाइनल में आपको ये वाला बंडी बंडल दिया जा रहा है, भाई साहब तगड़ा लग रहा है देखने में। तो चलो यहाँ पे मैं आपको टीम बनानी सिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको मैच डे चूज करना है, मतलब जो भी आपका मैच चलने वाला है, फिलहाल तो मैच डे 1 होगा जो कि गाइस 8 जनवरी को होने वाला है, तो आप मैच डे 1 की यहाँ पे टीम बनाइएगा, मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो मैच डे 3 की मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले कैप्टन चूज करना होगा, जो कि आप यहाँ पे कोई सी भी टीम का कैप्टन चूज कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो यार अच्छी टीम चूज करना, नहीं तो यार मैं मैनुअली उल्टा सीधा चूज कर रहा हूँ वीडियो में आपको बताने के लिए, ठीक है? प्लेयर 2 में मैं यहाँ पे कोई भी टीम को चूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे
इन स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में जानकारी नहीं है। और गैस यहाँ पे आप कोई सी भी टीम को चूज कर सकते हो, कोई सी भी प्लेयर्स को आप यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद गैस आपको यहाँ पे सेलेक्ट इन्फ्लुएंस ड्रीम टीम, आप यहाँ पे लोकेश गेमर, ज्ञान गेमिंग, मतलब कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप जानते होंगे, उन्हें आप चूज कर लेना, ठीक है। एंड गैस यहाँ पे मैंने अपनी जो टीम है कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया, आप भी कुछ इसी तरीके से क्रिएट कर लेना। उसके बाद जब आपकी टीम क्रिएट हो जाती है तो गैस आपको जरूरत पड़ेगी अपनी टीम्स के स्कोर को हाई करने की, इंक्रीज करने की, जिसके लिए आप लोगों को रिडीम कोड डालना होगा। और रिडीम कोड आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको उस रिडीम कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना नॉर्मली। एंड जैसे पेस्ट करोगे, कन्फर्म कर दोगे, तो जो भी आपका यहाँ पे आइटम होगा, मतलब उसके अंदर जो भी ट्रिपल कैप्टन के पॉइंट होंगे या बोनस 10 पॉइंट होंगे, वो आपको मिल जाएंगे और आपकी जो टीम का स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका रिडीम कोड काम करेगा। लेकिन गैस आपको जो टीम बनानी है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से बनानी है, जांच पड़ताल करके बनानी है, तभी आपको जो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया गया है मेल के और फीमेल के बंडल, वो मिल पाएंगे। और गैस यार आपको एक कमाल की चीज दिखानी थी, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, OB32 अपडेट में व्हाइट टी शर्ट आने वाली है, जो कि यार अभी लीक्स के मुताबिक कंफर्म हुआ है। एंड मुझे तो लग रहा है कि आ भी जाएगी, क्योंकि फ्री फायर वालों ने यहाँ पे पता ही लगा लिया होगा कि ब्लैक टी शर्ट का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, चलो अब व्हाइट टी शर्ट को डाल देता है, तो इसका ट्रेंड चल जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपके अच्छे खासे डायमंड खर्च हो सकते हैं व्हाइट टी शर्ट को निकालने के लिए, बाकी देखते हैं यार क्या होता है। लेकिन गाइज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जोर से बताइएगा। तो चलो गाइज यार बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में, जिसके लिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और आप सभी को पता है कि फिलहाल जो हमारे इंडिया सर्वर में इंक्यूबेटर चल रहा है वो 13-14 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। मतलब यार कल का किसी को नहीं पता कि कल कौन सा इंक्यूबेटर आ सकता है। क्रिमिनल बंडल भी रिटर्न आ सकता है, M10 की जो स्किन का इंक्यूबेटर है वो भी रिटर्न आ सकता है, या पोकर MP40 का इंक्यूबेटर फिर से रिटर्न आ सकता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो भाई मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो हमारा ब्राजील सर्वर है ना यार, उसमें 4-4 इंक्यूबेटर चल रहे हैं। पहला इंक्यूबेटर तो वो है गाइस जो कि हमारे इंडिया सर्वर में ऑलरेडी चल रहा है एक बंडल का। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे सेकंड इंक्यूबेटर है जो कि हमारे इंडिया सर्वर में ऑलरेडी आ चुका है। एंड उसके बाद है गाइस पोकर MP40 जो कि ब्राजील सर्वर में रिटर्न आया हुआ है। एंड यार हमारे इंडिया सर्वर में ऑलरेडी रिटर्न आ भी चुका है। एंड गाइस यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आपको दिख ही रहा होगा गोल्डन सेड बंडल, नेवी सेड बंडल है, जो कि यार हमारे इंडिया सर्वर में रिटर्न आने के हाई चांसेस लग रहे हैं। अब बात करें इंडोनेशिया सर्वर की, तो इंडोनेशिया सर्वर में आपका गोल्डन सेड बंडल भी रिटर्न आ चुके हैं, और हो सके तो गाइज कल इंडिया सर्वर में गोल्डन सेड बंडल का इंक्यूबेटर रिटर्न आ जाए, ये चांस लग रहे हैं मुझे। क्योंकि इंडोनेशिया सर्वर में जो भी चीज़ें रिटर्न आती हैं वो इंडिया सर्वर में 90% रिटर्न आती हैं। और गाइज कल हो भी सकता है कि आपको गोल्डन सेड बंडल, ब्लू सेड बंडल रिटर्न देखने को मिले। अगर गाइज यहाँ पे फ्री फायर वाले गोल्डन सेड, नेवी सेड बंडल के इंक्यूबेटर को नहीं डालते हैं रिटर्न में, तो यहाँ पे फ्री फायर वाले M10 के इंक्यूबेटर को भी रिटर्न में डाल सकते हैं। वो तो गाइज हमें कल ही देखा जाएगा। वैसे गाइज इतना तो कन्फर्म है, 90% मैं कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि गाइज आपको गोल्डन सेड, नेवी सेड बंडल जो इंक्यूबेटर है वो रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी यार हम नए इंक्यूबेटर का तो कह नहीं सकते, क्योंकि यार अभी तक लीक के मुताबिक हमें पता नहीं लगा है, ना ही कोई अदर सर्वर में नया इंक्यूबेटर आया है, मतलब पुराने ही इंक्यूबेटर वहाँ पे ये जा रहे हैं। नहीं तो भाई आपको क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर भी देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप लोगों को बता देता हूं। तो भाई देखो, जो हमारी न्यू M1887 स्किन थी वो 7 जनवरी को आने वाली थी, और सभी मॉडरेटर्स ने, सभी लीक्स ने, सभी यूट्यूबर्स ने वो बता दिया था कि 7 जनवरी को न्यू M1887 स्किन आने वाली है। लेकिन फ्री फायर वालों ने सरप्राइज देने के लिए या जल्दी लूटने के लिए, जल्दी काटने के लिए एक दिन पहले उन्हें डाल दिया, मतलब 6 जनवरी को। और ऐसा ही हो सकता है क्रिमिनल बंडल को ज़्यादा लेट ना करके वो कल वाले इंक्यूबेटर में डाल दे। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी रिडीम कोड पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करें, टेक्नो बाय 7 यूजर नेम है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।